वर्कआउट के बाद ग्लूटामाइन, जीएनसी का ग्लूटामाइन भाई, लिंक डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको बाय करना बहुत जरूरी है। रीज़न ये है कि जो आपका मसल्स ब्रेक डाउन होता है, जो टूटता है ड्यूरिंग वर्कआउट, उसको ये जो है ना रिपेयर करेगा। तो अगर आप मसल बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो मसल बनाने के लिए, तो आपने उसको जो है रिपेयर भी करना है भाई। मसल रिपेयर नहीं होगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, तो उसको फिर से जो है रिजनरेट करने के लिए, फिर से उसको बनाने के लिए टाइम लग जाएगा आपको। तो बेस्ट ऑप्शन है, आपने 5 से 7 ग्राम इसकी जो भी क्वांटिटी है इसमें बॉडी वेट, उसके हिसाब से आपने इसमें लेना है जीएनसी ग्लूटामाइन और अपनी मसल्स को रिकवर करना है, आई मीन रिपेयर करना है। इतना बोल रहे हो, पहला सेट वार्म अप, दूसरा भी वार्म अप, लगभग मेरे लिए वार्म अप ही है। 170 के 8 रेपिटेशन मारे थे अभी, 150 के पहले 12 रेपिटेशन मारे थे, 170 के 8 रेपिटेशन मारे। अभी 190 केजी है, इसका कोशिश करेंगे कम से कम 6 रेपिटेशन निकालने की। उसके बाद फिर फाइनल कितना होता है, फाइनल को देखेंगे, फाइनल कितना मार सकते हैं। मैक्सिमम लोड लेना है, मैक्सिमम रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करूँगा। आज जीएनसी का प्री वर्कआउट भी रखा, बॉडी में थोड़ा सा अलग से स्ट्रेंथ है, जल्दी में प्री वर्कआउट पीता नहीं हूँ, बट आज भी रखा तो बॉडी में अलग ही स्ट्रेंथ है। तो चलो देखते हैं, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा भाई। देखो बेल्ट बांधने नहीं आती, कहीं को टाइट बेल्ट नहीं बांधते, हाथ से बांधते। आपने इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से इसको होल्ड करना है, यहाँ पर ऐसे पकड़ लेना है, और उसके बाद जितना खींच सको उतना खींचना है इसको। खींचने के बाद यहाँ पर फंसा दो, और खोलना भी ऐसी है, ये तरीका है आपका बेल्ट बांधने का, जो जनरली लोग कोई बताता नहीं, लेकिन बाद भाई आपको हर चीज़ बताया। चारे निकले भाई, हाथ में करंट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, बट नो एक्सक्यूज, चारे निकले, सोचा था 6 निकालूंगा, निकाल सकता था, बट पेन बहुत हो रहा है यहाँ पर, करंट लगा हुआ है यहाँ पर बहुत भयंकर, मरते मरते बचा तुम्हारा भाई। भाई पता नहीं किस लोग किसकी बदुआ लग गई थी, बदुआ मत दिया करो भाई, उस वक्त कोई बदुआ नहीं देनी। आपके भाई को बता दें तो भाई, जीएनसी का ब्रांड एथलीट भाई को बना दिया गया है, तुम्हारा भाई जो है आप लोगों के आशीर्वाद से जीएनसी को प्रमोट कर रहा है। ये जीएनसी का BCAA है भाई, BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, तीनों में आप इसको ले सकते हो। BCAA है, वो आपको फुल्ली रिकवर करेगा। ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप इसको करते हो तो मसल जो आपका, आई मीन जो ग्लाइकोजन लेवल आपका डाउन हो जाता है, फिर से ये जो है आपको रिकवर करेगा और एनर्जी देगा बॉडी के अंदर। तो BCAA बहुत जरूरी है भाई, BCAA भी जाके नीचे से परचेस कर लो आप, लिंक नीचे दे रहा हूँ मैं। लास्ट कोशिश करेंगे भाई, डर क्या की चीज है, डरना नहीं है, वेट को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, लाइट वेट, क्या गुरु जी का आशीर्वाद अपने साथ है, उपेश सर का आशीर्वाद अपने साथ है।
और बड़े गुरु जी का आशीर्वाद अपने साथ है। अभी देखो आशीर्वाद में कितना दम होता है वो देख लो भाई। या आशीर्वाद है भाई। पोस्चर थोड़ा खराब हो गया बट मार दिया। जब आप रेगुलरली आप डेड मारोगे ना तो आपको कमर में लोड नहीं आएगा, पेन भी नहीं होगा। रीजन उसका यह है कि आदत हो जाती है, कमर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। बट अगर आप नए नए मारते हो और इस पोस्चर में मारोगे तो पोस्चर ठीक नहीं है, खराब है पोस्चर। अक्सर हैवी वेट में पोस्चर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। बट मैं एक्सक्यूज़ भी दूंगा, इसको भी ठीक करूँगा। अभी बहुत सालों के बाद डेडलिफ्ट स्टार्ट की है तो अगेन आई विल स्टार्ट। मेरे से भी अच्छे अच्छे धुरंधर यहाँ खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ, यहाँ एक से एक पावर लिफ्टर बैठे हुए हैं। ये वेट मारो और मुझे टैग करो भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको भी सेट कर दो सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।